साले इसमें मोरा कहाँ है, आवाज कहाँ से जाती है इसमें? ओह मतलब यहाँ है मोरा। मेरे तो RGB लाइटिंग पे दिल आ गया। Hello guys, I'm Bohan Mehta and welcome to Kind Punjabi. So इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कुछ बड़ा बॉक्स। वैसे तो आपको टाइटल से समझ आ ही चुका होगा कि हम लोग एक या अनबॉक्स करने वाले हैं उसका। So let's begin without wasting any time. बॉक्स लाया जाए। Boom. उतना भी बड़ा नहीं है। That's what she said. Yeah. तो पहले इसका वस्त्र हरण किया जाए। अपने किसी को अगर पता हो कोई फैंसी सा सेक्सी सा नहीं मतलब फाड़ सा कोई चाकू किसी को मिले यार ऑनलाइन तो मुझे प्लीज कमेंट में शो करो क्योंकि अनबॉक्स करने में बढ़िया वाले चाकू से ना मजे लगाता है यार। और हाँ लाखों रुपए वाले चाकू मत भेजना, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो यहाँ अनबॉक्स करने जा रहे हैं हमारा प्यारा कॉस्मोस 7। कॉस्मो ही है ना, कॉस्मोस कॉस्मो ही है, कॉस्मो ही है। तो ये यार मुझे लगा एक ही प्रोडक्ट आया, इसमें दो आए हुए हैं। दो प्रोडक्ट मतलब दो वीडियोस। दूसरे प्रोडक्ट कम करेंगे बाद में अनबॉक्स दूसरी वीडियो। यहाँ दोस्तों हमारे पास प्रेजेंट है हमारा प्यारा कॉस्मो 7.1 जो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। कॉस्मो 7.1 जिसके अंदर पीछे हमें शायद से RGB लाइटिंग मिलती है गाइस। RGB लाइटिंग ओके मतलब इस प्राइस रेंज में प्रोग्रामेबल है, मतलब ऐसा लिखा है यहाँ पे कि प्रोग्रामेबल है तो होगा कह रहे हैं। तो ये मुझे पड़ा है रेड गियर कंपनी का अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ का, मतलब मुझे नहीं मेरे भाई ने लिया है, मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। और उसका भी एक चैनल है गेमिंग चैनल गेमर ग्लिच। ओ तेरे चैनल का नाम क्या है, ग्लिच है कि क्या है? गेमर ग्लिच। तो सबसे पहले हम बाहर बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि ये है कॉस्मो 7.1 और उसके ऊपर हमें मिलते हैं RGB लाइटिंग के कलर्स। आप देख सकते हैं पर्पल और येलो ब्लू ग्रीन रेड। प्री स्कूल पास किया हुआ भाई ने, उसके बाद टूर्नामेंट एडिशन है ये एक रेड के 7.1 सीरीज है ब्ला 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 जिसका कोई मतलब नहीं इस दुनियादारी के अंदर। और यहाँ पर हमें आई थिंक ऊपर बटन देखने को मिल जाते हैं वॉल्यूम तेज कम करने का और सबसे बड़ी बात म्यूट करने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप गेम खेल रहे होते हैं पीछे आके मम्मी पापा चाक के थप्पड़ मारते और गालियां देते हैं तो आप उस टाइम पे इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस आवाज़ को रोक सकते हैं, अपनी इज्जत को बचा सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट में हमें सामने मिलता है 7.1 विजुअल सराउंड साउंड हेडसेट है ये गाइस, और उसका फुल स्क्रीन ओवरहेटिंग नॉइस कैंसिलेशन एंड ऑल प्रोग्रामेबल। आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट एंड हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं पूरी तरह से। चलो घूम रहे उसके बाहर हम उसका हाथ से और इसको खोलेंगे और इसको अच्छी फाड़ करके हम इसको ऐसा करके निकाल देंगे। मुझे आराम से निकालना चाहिए नहीं तो मेरा भाई मुझे गोली मार देगा। अब ठीक है तो इसके अंदर हमें मिलता है सामने सबसे पहले कुछ हमें मिलती है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की बुक जो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमें मिलती है यहाँ पर एक CD मतलब स्टूडेंट डाटा। और नेक्स्ट ही हमें दे रहे हैं बहुत ही प्यारा रेड गियर का स्टिकर। बूम अब भाई रेड गियर का हो चुका है, भाई का रेट 2000 रुपये, मतलब गलत चीज मत सोचना यार। और इसको करते हैं अनबॉक्स, मतलब अनबॉक्स तो 90% हो ही चुका है, मतलब पन्नी उतार लेते हैं पन्नी उप है इसकी। आंख ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा है भाई। That's what she said. तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है भाई, मेरा भाई है उसकी गर्दन है इतनी सी, उसके कान है इतने से और ये हैं इतने बड़े, मतलब नारियल। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें सबसे पहले मिल जाती है एक है उसके ऊपर पूरी प्लास्टिक की कवरिंग हुई है एक सिलिकॉन वायर काइंड ऑफ जो कि ट्रांसपेरेंट है ऑल्सो। फ्रंट में मिल जाता है इसका एक USB एक्स जो हमें मिलता है वो है ये। इसकी अलग सेटिस्फेक्शन होती है यार। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसके अंदर लगी वो ये है कि ये इनबिल्ट माइक्रोफोन के साथ आता है। साले इसमें मोरा कहाँ है, आवाज़ कहाँ से जाती है इसमें? ओह मतलब यहाँ है मोरा। तो यहाँ पे हमें RGB लाइटिंग देखने को मिलने वाली है, प्लस इसकी हम फिटिंग देख लेते हैं एक बार कैसा आता है। मेरे को पता नहीं क्यों पायलट वाली फीलिंग आ रही है भाई, अब पायलट बन चुका है और भाई जा रहा है अब भाई पायलट बन गया। आई डोंट गिव अ फक। इसकी जो ये बफिंग है बाहर की डैम गुड कि मुझे अपनी आवाज़ खुद सुनने में भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं तेज बोल रहा हूँ शायद इस टाइम पे, आई डोंट नो। गुड इट्स
puffed up properly. And yeah, it's fucking comfortable. It's pretty nice. कोई pain वगैरह नहीं लग रहा. It's good. It's good. It's really good. So next चीज़ जो हम करने वाले हैं वो ये है कि हम इसका lighting test करेंगे. Yes, RGB lighting कैसी लगती है इसके अंदर लगी हुई bro. Guys, यहाँ पे मैंने अपनी मशीन से कनेक्ट कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है. Guys, मेरे तो RGB lighting भी दिल आ गया. You can see guys कितना awesome blossom लग रहा है ये. हर कलर continuously बदले जा रहा है. और हाँ, इसके साथ ही इसका सॉफ्टवेयर भी आता है जिसके अंदर आप इसके लाइटिंग प्रॉपर सेट कर सकते हैं कि कैसे आप इसकी लाइटिंग चाहते हैं. और क्या इसके अंदर ये पायलट वाला जो माइक है ना, उसमें भी आ रहा है तो लाइट है उसमें भी, मतलब आपको पूरा जगमग कर देगा ब्रो. यहाँ पे हमें मिल जाता है कंट्रोल जिसके अंदर हमें मिलता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन म्यूट. जैसे मैंने आपको बताया कि अपने माँ बाप की जब झाड़ पड़ रही हो तब ये काम आता है. उसके अलावा मिल जाता है एक लाइट वाला बटन जिसको हम प्रेस करके आपको दिखाएंगे. सी बन रेड की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो फॉर्म्स तो आर मतलब काफ़ी सॉफ्ट है ऑब्वियसली. यहाँ ऊपर हमें अच्छी एक स्टील बॉडी मिल जाती है, साथ में ये लेदर कुशनिंग वाला प्यारा सा एक सॉफ्ट टच वाला वो मिल जाता है जो कि एक्सटेंडेबल है. जैसी या दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडेबल क्योंकि कई लोगों का सिर बड़ा होता है छोटा होता है, टोल्ड यू ना कोकोनट. उसके अलावा यहाँ पर ये जो चीज़ है ये दिखने में एल्यूमिनियम लगती है बट दिस इज प्लास्टिक. और इस प्लास्टिक वाली चीज़ के ऊपर मतलब इस रेट के अंदर अच्छा है, मतलब जनरली अच्छा लग रहा है. अभी तक तो बिल्ड क्वालिटी और हर चीज़ के हिसाब से इसको हम अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, इट्स गुड. उसके अलावा अब हम देखते हैं इसकी वॉइस साउंड. साउंड कैसे, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो क्या? डाल भी नहीं डके ही ललबा रात पूरा मजा हमरा मिला लबा नसे नसी दहिया के ही ललबा रात पूरा मजा हमरा मिला लबा. देखा आपने लापरवाही का नतीजा भाई मेरे. क्या ऑसम आवाज है इसकी, क्या ट्रबल है, क्या बेस है. मतलब बेस काफी हद तक बहुत अच्छा है लेकिन एक थोड़ा सा मतलब लिटिल सा मतलब है कि थोड़ा सा बेस और पंची या बेसी हो सकता था. इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ऐसी आवाज़ इस लाउडनेस के साथ मतलब इट्स प्रीटी ऑसम. आई एम सेइंग मैं इससे पहले मेरे पास एक JBL की भी है, वायरलेस है मेरे पास एंड आई मस्ट से दीज आर फार बेटर देन दोज. मतलब ये प्रॉपर आपके कान को पूरे कप्स बना लेते हैं, वो मतलब प्रॉपर कप्स भी नहीं बना पाते थे. फील होता है कि आप कुछ एक अच्छी सॉलिड चीज़ पे गाना सुन रहे हो ब्रो. अगर एक बार मैं वॉल्यूम आपको फुल करके दिखाऊँ तो मोस्ट प्रोबेबली माइक कैच करेगा कि कैसी साउंड है. क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. नेक्स्ट जो चीज इसके अंदर आती है वो है कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है. इट्स टू गुड, दे हैव जस्ट नेल्ड इट. मुझे रेड गियर से इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी फाड़ ये क्वालिटी देगा साउंड की, बट इट्स टू गुड. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, अगर आपको देखना है तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर आग लगा दो. कंप्यूटर को मत लगाना, मतलब आग लगाने का मतलब प्रॉपरली था कि माचिस जला के आग लगा दो, मतलब बटन दबा देना यार प्लीज, अच्छा लगता है यार. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.